नमस्कार, मैं आपके साथ रंगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं आप बीती जग बीती न्यूज। उत्तर प्रदेश राज्य नियंत्रण समिति द्वारा आयोजित पॉजिटिव नेटवर्क के सदस्यों की क्षमता वृद्धि कार्यशाला सोने भेदभाव के साथ सकारात्मक जीवन आयोजन उत्तर प्रदेश वेलफेयर फॉर पीपल लिविंग विद एचआईवी एड्स समिति द्वारा लाजपत नगर नारायणपुरवा कानपुर में किया गया आयोजित। मुख्य अतिथि डॉक्टर मणिराम श्रमिक भारती टीआई में संजय कुमारी मैनेजर बिहान केयर सेंटर और सपोर्ट सेंटर स्टाफ संजय यादव प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी। आपको बता दें राधा सहाय सत्य सिंह रितुपत श्रीवास्तव सुषमा दिव्या उमराव सुशीला अंकिता रफात लोग मौजूद रहे। कानपुर से आप बीती जग बीती के संवाददाता राज कमल की खास रिपोर्ट। ये 2013 से बिहान कार्यक्रम का संचालन हुआ था यूपीएनपी प्लस के सहयोग से, और लगातार हम लोग हर वर्ष ये दान उत्सव कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं और जो पुरुष हैं, उन सभी का दान उत्सव में कंबल वितरित कंबल दिए गए हैं और न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया गया है। बच्चों को, विडो महिलाओं को साड़ियां दी गई हैं। ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा लक्ष्य रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कम्युनिटी आधारित, ये एक वर्ष में एक ही बार मनाया जाता है। जी नई वाली लिस्ट हो गई, फॉरवर्ड परसों मैंने करा दी थी, मिल गई। उसमें कुछ मिस वन मिस टू मिस थ्री भी मैंने सामने करा दिए, शायद 850 केसेस कितने के लिस्ट थे, 900 के आसपास केसेस उसमें। हॉर्लिक्स वगैरह के मेरा नाम संजय यादव है। ये बिहान केयर एंड सपोर्ट सेंटर CSC कानपुर में ये दान उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये क्या क्या सामान आपके पास है कानपुर? ये हमारे पास साड़ियां हैं, जो विडो महिलाएं हैं उनके लिए साड़ियां हैं, और हमारे पास ब्लैंकेट हैं, और बच्चों के लिए न्यूट्रिशन है और एजुकेशन किट है बच्चों के लिए। ये इस तरीके का हम लोग कार्यक्रम आज संपन्न करा रहे हैं। ये बिहान कार्यक्रम UPNP प्लस के सहयोग से कानपुर नगर में संचालित 2013 से यहाँ वर्क कर रहा है। 2013 से लगातार हम लोग किसी न किसी डोनर के सहयोग से यहाँ दान उत्सव का कार्यक्रम हर वर्ष संचालित कर रहे हैं। ये जो सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, हम उन योजनाओं से इन लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। जो हमारा स्टाफ है लगातार इनके संपर्क में रहता है और इन लोगों को सरकार बहुत सी योजना निकाली है, गरीबों को मकान निकाला है। जी जैसे हम लोग इस समय विडो पेंशन है, उसमें इनको फार्म भरा के इनको अनुदान दिलाते हैं, और आवास योजना है उसमें भी हम इन लोगों को सहयोग कराते हैं। बाकी अभी जो शादियों का भी हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं, जो पहले HIV कम्युनिटी है वो एक दूसरे के को दिखा के एक दूसरे से बात करके यहाँ CSC के माध्यम से शादियाँ भी संपन्न करा रहे हैं। सरकार ने भी आशा योजना को मकान निकाला, तो उसमें अभी किसी को फॉर्म भराया गया? अभी जो क्लाइंट जो उसके नीडेड हैं, उन जो उनके हमारे पास जो फॉर्म आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको लिंक कराते हैं। मेरा नाम संजय कुमारी है। हाँ, अभी यहाँ पर बिहान CSC की उससे दान उत्सव में है, तो हम लोग श्रमिक भारती ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ कंबल डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोगों ने भी सहयोग किया है इसमें। मैं डॉक्टर MR गौतम ERT सेंटर पे मेडिकल अफसर हूँ।
और भाई मुझे बड़ा सौभाग्य है कि आज संजय जी ने और बिहान संस्था ने मुझे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आमंत्रित किया और मुझे जानकारी मिली कि यह दानोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें जो PLIG जो हमारे मरीज होते हैं उनके परिवारजनों को, उनके बच्चों को, उनके आश्रितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना, आज जो पौष्टिक आहार का वितरण, कंबल, वस्त्र आदि दिए जा रहे हैं, ये लोग इससे लाभान्वित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संस्था से जुड़े रहेंगे और इन संस्था के माध्यम से इन रोगियों को नियमित हमारे ARTK से दवा प्रतिमाएँ दिलाई जाती है। ये केस डिफ़ॉल्ट ना करें, हमारा विभाग रोज़गार करें, रोज़गार के लिए हम लोग जो बैठक करते हैं अन्य विभागों, जिन विभागों की जो योजनाएँ होती उन विभागों के अधिकारी आके बताते हैं क्या उनका प्रोसेस है। ये लोग सिर्फ प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं, ये लोग किसी संस्था के माध्यम से कुछ चीज़ नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनको प्रोसेस बताते हैं कि कैसे आप आगे बढ़ें, उनको विकलांग प्रमाण कैसे बने, कोई विकलांग विधि कैसे विकलांग प्रमाण बने, उसका फॉर्म भरा के CEO ऑफिस में कोऑर्डिनेट कराते हैं, सिर्फ संस्थाओं के साथ कोऑर्डिनेट करा के उनको लाभान्वित कराना, ये इनका उद्देश्य है। स्वयं अपने आप में ये नहीं दे सकते हैं।